दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडी स्पोर्ट्स चैनल के बारे में और डीडी स्पोर्ट्स से संबंधित एक बड़ी अपडेट जो निकल करके आ रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज है 4 जुलाई 2023 और 4 जुलाई 2023 को दोस्तों डीडी फीड्स पर उपलब्ध चैनल डीडी स्पोर्ट्स से जुड़ी एक अपडेट जो कि आपको देनी जरूरी थी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में हम बातें करेंगे डीडी स्पोर्ट्स चैनल के बारे में और बताएंगे वो अपडेट कौन सी है। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे चैनल से जब जुड़ी अपडेट आप सभी को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में और डिटेल में बातें कर लेते हैं डीडी स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों डीडी स्पोर्ट्स पर आज आप देख सकते हैं सैफ चैंपियनशिप 2023 के अंतर्गत खेले जाने वाला फाइनल मैच, और ये फाइनल मैच दोस्तों जो खेला जाएगा वो इंडिया और कुवैत की टीमों के बीच में खेला जाएगा। समय आप देख लें दोस्तों 4 जुलाई 2023 शाम 7:30 बजे से सीधा प्रसारण दूरदर्शन स्पोर्ट्स चैनल पर आप देख सकते हैं डीडी फ्री सेटअप बॉक्स में। तो दोस्तों आनंद लीजिए आप इस फाइनल मैच का जो कि बेहद रोमांचक होने वाला है, जैसा कि इस टूर्नामेंट के अंतर्गत खेले गए मैचेस हुए हैं। पिछले मैच में दोस्तों इंडिया ने लेबनान को हराया था और वो सेमीफाइनल मैच था, और वो मैच जीतने के बाद इंडियन टीम पहुंची है सैफ चैंपियनशिप के 2023 के फाइनल में। दोस्तों हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी भी इंडियन टीम के नाम हो जाए, बेहद शानदार मैच का प्रदर्शन हो इंडियन टीम के द्वारा। उम्मीद है दोस्तों, बाकी एक शानदार मैच होने की तो उम्मीद है ही। तो दोस्तों डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देखना मत भूलिए आज का फाइनल मैच। समय हमने पहले ही आपको बताया दोस्तों 7:30 बजे से। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित अगर कोई सवाल आपके मन में आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। दोस्तों आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।